गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे मेजर टेप के बारे में। मेजर टेप की लंबाई क्या होती है, इंच क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, इंच में जो लाइंस होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर के अंदर जो लाइंस होती है उसको क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं आज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश है और आप विक्ट्री फैशन डिज़ाइनिंग चैनल से ये वीडियो देख रहे हो और आज मेजर टेप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, मेजर टेप की लंबाई कितनी होती है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए। मेजर टेप की लंबाई में कितनी होती है, ठीक है, 60 इंच की लंबाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मेजर टेप की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होती है, जिसे पता है वो फटाफट जवाब दे मुझे कमेंट बॉक्स में। फटाफट, ओके गाइस, 152 सेंटीमीटर मेजर टेप की लंबाई होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर टेप कौन सी कंपनी की होती है, स्टैंडर्ड मेजर टेप कौन सी कंपनी की होती है जो अभी अच्छी चल रही है, जिसे पता है मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दे। अभी मैं काउ हेड ब्रांड की मेजर टेप यूज़ कर रहा हूँ और ब्रांडेड स्टैंडर्ड अच्छी वही कंपनी की मेजर टेप आ रही है। फ्रेंड्स, इंच के भीतर जो लाइंस होती है उसे क्या नाम से पहचाना जाता है, एक इंच के अंदर जो लाइंस होती है उसे क्या नाम से पहचाना जाता है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दे। एक इंच के अंदर जो लाइंस होती है उसे क्या नाम से पहचाना जाता है, ठीक है, एक इंच के अंदर जो लाइंस होती है उसे थ्रेड, धागा या डोरे के नाम से जाना जाता है। एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है उस लाइंस को किस नाम से जाना जाता है, फ्रेंड्स, एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है उसे क्या नाम से जाना जाता है, क्या नाम से अपने पहचानते हैं जो सेंटीमीटर के अंदर लाइंस है, जिसे पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे फटाफट। एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है उसे क्या नाम से अपने जानते हैं, ठीक है, एमएम के नाम से जानते हैं अपने, एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है उसे एमएम के नाम से जानते हैं। एक इंच में जो लाइंस होती है उसे किस नाम से पहचाना जाता है, एक इंच में जो लाइंस होती है उस लाइंस को अपने किस नाम से पहचानते हैं, एक इंच में जो लाइंस होती है उसे थ्रेड, धागा, डोरे के नाम से जाना जाता है। एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है, एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है उसे किस नाम से अपने पहचानते हैं, एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है उससे एमएम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, एक इंच में कितनी लाइंस होती है, फ्रेंड्स, एक इंच में कितनी लाइंस होती है, लाइंस मतलब डोरा, थ्रेड, धागा, एक इंच में कितनी लाइंस होती है, थ्रेड, धागा या डोरा, एक इंच में कितने थ्रेड होते हैं, एक इंच में कितने डोरे होते हैं, एक इंच में कितने धागे होते हैं या एक इंच में कितनी लाइंस होती है, जवाब है 8 लाइंस 8 थ्रेड 8 थ्रेड 8 लाइंस। एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है वो कितनी होती है, एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है वो कितनी होती है, एक सेंटीमीटर में जो लाइंस होती है 10 होती है, जिसे एमएम कहते हैं, 10 एमएम। एक सेंटीमीटर में कितनी लाइंस होती है, 10। एक इंच में कितनी लाइंस होती है, 8। इंच और सेंटीमीटर, एक इंच बराबर 8 लाइंस, एक सेंटीमीटर बराबर 10 लाइंस।
फ्रेंड्स कई बार ये लोग कई जगह प्रॉब्लम हो जाता है, इंच के बदले में सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर के बदले में इंच लेते हैं, इंच क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है ये पता नहीं होता है। इस वजह से ये बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ताकि इंच और सेंटीमीटर के बारे में आपको पूरे से पूरी जानकारी 100% मिले। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जानकारी डिटेल में देता जाऊँ। फ्रेंड्स इस टॉपिक में अपने सीखेंगे एक इंच की जो 8 लाइंस होती है उसकी समझ। कई बार किसी को समझ नहीं पड़ती कि भाई 2 लाइन लेनी है, 3 लाइन लेनी है, मेजरमेंट लिया 4 लाइन है, 5 लाइन है, 6 लाइन है, 1 लाइन, 3 लाइन, तो कुछ समझ में नहीं आता कितना लेवे कितना नहीं लेवे। जैसे कि भाई किसी की अगर चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं, 32 चेस्ट आए उसके ऊपर 2 लाइन से, वो 2 लाइन ज़्यादा लेनी है कम लेनी है क्या लेना है, तो नए नए लोग होते हैं उनको कई सारी दिक्कत आती है, कई सारी तकलीफ आती है। वो कई बार ऐसा बोलते हैं कि 2 लाइन है ना, चलो 2 लाइन ज़्यादा ले लेते हैं तो मेजरमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। 2 लाइन कई बार कोई लोग बोलते हैं भूल जाते तो छोटी ले लेते तो मेजरमेंट गलत हो जाता है। जो छोटी लेते हैं तो उस वजह से क्या होता है, पीस छोटा कटता है, बनता भी छोटा है, तो सामने वाले को बनाना चाहो 34 का और बन जाता है 32 का। और कई बार ऐसा होता है कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं थोड़ा बड़ा काटे बड़ा काटे बड़ा काटे बड़ा काटे, तो बड़ा बनाने के चक्कर में क्या हो जाता है कि 2 लाइन ज़्यादा ले लेते हैं। अब 2 लाइन एक फ्रंट में ली, 2 लाइन दूसरे फ्रंट में लोगे, 2 लाइन एक साइड की बैक में, 2 लाइन दूसरे साइड की बैक में, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 8 लाइंस बढ़ गई। 8 लाइंस मतलब अपना एक इंच हो गया, तो एक इंच ऑलरेडी उसको ढीला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपकी प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैं पूरी एक इंच की डिटेल आपको धीरे से शांति से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देखिए, समझिए और मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये चीज़ में नहीं समझ में आई, उस चीज़ पे मैं दोबारा वीडियो बना के आपको देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स फटाफट नोट पेन ले लीजिए और ये एक इंच की समझ के बारे में अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए ये टॉपिक, ताकि आपको एंड तक ये चीज काम आएगी और समझ में आएगी। ठीक है ठीक है। एक इंच के 8 थ्रेड होते हैं, एक इंच में 8 थ्रेड होते हैं, वो 8 थ्रेड की आपको समझ समझा रहा हूँ। उसमें फर्स्ट जो थ्रेड होता है, फर्स्ट जो लाइन होती है, उसे 1/8 के नाम से जाना जाता है। एक लाइन एक डोरे को 1/8 के नाम से जाना जाता है। दूसरी लाइन होती है, सेकंड जो थ्रेड होता है उसे 1/4 के नाम से जाना जाता है। 1/4 जिसे कई बार 25% भी कहा जाता है। कई लोग 25% कहते हैं, कई लोग पा के नाम से जानते हैं, पा 25%, 1/4। और जो अपने बूट की सिलाई, प्रेशर फुट की सिलाई, लिफ्टर की सिलाई, एक चाप की सिलाई, एक दाब की सिलाई जो मारते हैं, वही चीज है 1/4। तीन दोरे को 3/8 के नाम से जाना जाता है। तीन दोरे को 3/8 के नाम से जाना जाता है और उससे ब्रॉड भी कहा जाता है। जैसे कि कोई ब्रांडेड शर्ट में आपने कफ की हेमिंग देखी होगी, या कोई ब्रांडेड शर्ट होगा कोई कंपनी का, उसकी आर्म होल की सिलाई जो थोड़ी सी 1/4 से थोड़ी सी बड़ी होगी, चौड़ी होगी, वो सिलाई को अपने ब्रॉड कहते हैं। सो ब्रॉड स्टिच 3/8 की स्टिच की होती है, मतलब समझ गए ना। एक डोरे को 1/8, दो डोरे को 1/4 और तीन डोरे को 3/8 या ब्रॉड कहा जाता है। चार डोरे को, फ्रेंड्स चार डोरे मेजर टेप के जो चार डोरे चार थ्रेड होते हैं, उससे 1/2 मतलब 1/2 मतलब हाफ इंच कहा जाता है, आधा इंच। फ्रेंड्स पांच थ्रेड को 5/8 के नाम से जाना जाता है। छह दोरे को 6/8 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स 6/8 के नाम से जाना जाता है, जिसको 1/4 इंच 75% भी कहा जाता है। सेम वैसे ही 7/7 के नाम से जाना जाता है,
सात दोरे को सात थ्रेड को 7-8 के नाम से जाना जाता है, और फ्रेंड्स आठ दोरे को जब पूरे पूरे आठों आठ लाइन मिक्स होती है, जब आठ दोरे होते हैं तो एक इंच बनता है, वैसे ही पूरा एक इंच आठ लाइंस मिला के बनेगा। सो मेजर टेप की ये रही पूरी जानकारी, आपको मैं शुरू से फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। एक दोरे को 1/8, दो दोरे को 1/4, तीन दोरे को 3/8, चार दोरे को 1/2 इंच, पांच दोरे को 5/8, छह दोरे को 6/8, सात दोरे को 7/8, आठ दोरे को 1 इंच। इस तरीके से आठों आठ दोरों की पहचान उनके नाम है, ताकि अगर अपने को मेजरमेंट लेना हो, जैसे नेक मेजरमेंट ले रहे हैं 16 पॉइंट, अगर दो लाइन आ रही है तो क्या बोलेंगे, 16.14। अगर चार लाइन आ रही है तो 16.5, या फिर 16.1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे से अपने थोड़ा अच्छी तरीके से अच्छी लैंग्वेज में और मेजर टेप की लैंग्वेज में उसे पहचानेंगे, उसको उसके नाम से जानेंगे कि किसका क्या नाम है, और उसको उसके नाम से ही अपने आगे बोलेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में अपने डिस्कस करेंगे एक इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो इंच और सेंटीमीटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक और नॉलेज समझेंगे। एक इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5। एक इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। एक इंच बराबर कितने mm, एक इंच बराबर कितने mm, एक इंच बराबर 25.4 mm, एक इंच बराबर 25.4 mm। अच्छा, इंच पर से सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करना हो या सेंटीमीटर से इंच पर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। कई बार कोई मेजरमेंट अपने को इंच में दिया है और उसको सेंटीमीटर में अपने कन्वर्ट करना है। बताया गया है कि इंच में दिया है और सेंटीमीटर में बनाना है, या फिर सेंटीमीटर में दिया गया है और इंच में बनाना है, या फिर अपने को बनाते इंच में आता है मेजर कोई भी गारमेंट्स और मेजरमेंट सेंटीमीटर में, तो अपने उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। या अपने को बनाते सेंटीमीटर में आता है और मेजरमेंट तो इंच में लिखा है, तो अपने उसको क्या करेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले के जरिए आप इंच और सेंटीमीटर एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इंच पर से आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, इंच पर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो इंच है बड़ा, सेंटीमीटर है छोटा, ध्यान से समझना ये चीज को। तो छोटे में से बड़ा करना है, छोटे में से बड़ा करना है। अगर इंच में का जो भी इंच है उसका सेंटीमीटर निकालना है, जैसे कि भी अपने 10 इंच है तो 10 इंच का सेंटीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जो भी इंच है उसको गुणा मतलब मल्टीप्लाई 2.5। एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो 10 इंच बराबर कितना, एक इंच बराबर 2.5, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंच बराबर कितना। तो आपको 10 गुणा 2.5 करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। वैसे ही सेंटीमीटर में से आपको इंच निकालना है तो क्या करोगे, तो सेंटीमीटर में से इंच कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि भाई 60 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच, 60 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच, तो 60 डिवाइड बाय 2.5 करोगे, जो भी जवाब आएगा वो इंच हो जाएगा। तो इंच पर से अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो जो भी इंच है उसको मल्टीप्लाई 2.5 गुणा 2.5 अगर करते हैं तो अपना इंच का मेजरमेंट। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में अपने सीखेंगे इंच पर से सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर पर से इंच कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर इंच पर से आप सेंटीमीटर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंच को 2.5 से आप मल्टीप्लाई गुणाकार करोगे। इंच पर से सेंटीमीटर अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एक जो भी इंच है उस इंच को 2.5 से मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो आपका सेंटीमीटर निकल जाएगा। और अगर सेंटीमीटर से आप इंच कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो भी सेंटीमीटर है, जो भी सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 2.5 से करोगे तो आपका इंच निकल जाएगा। मतलब इंच और सेंटीमीटर में 2.5 है। अगर इंच पर से सेंटीमीटर निकालना है तो 2.5 से
गुणाकार करना है, और अगर सेंटीमीटर पर से इंच निकालना है तो 2.5 से डिवाइड करना है। सो मेजरमेंट लेने में या मेजरमेंट लेने के बाद या माप लेने में कोई भी जात की कोई भी गलती मत करना, वरना आप जो भी गारमेंट बना रहे हो वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। और 90% ये गलती होती है, इंच और सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में कई लोगों को समझ ही नहीं आती, और काफ़ी सारी जगह ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपने मेरा ये वीडियो देखा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और इस तरीके की आगे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे बनाता रहूं। और सॉरी मैं आपको काफ़ी टाइम से एक वीडियो नहीं दे पा रहा था, सो कुछ काम में बिजी हो गया था। आज समझ लो मैं रात को 12:30 बजे मेरे कंपनी का वर्क सारा ख़त्म करके 12:30 बजे फुल गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पसीना भी बहुत आ रहा है। सो आप समझ रहे होंगे कि कितनी तकलीफ है, मेरी फैक्ट्री का वर्क भी चल रहा है, इंस्टीट्यूट का वर्क भी चल रहा है, और सबसे टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरी कोशिश रहेगी धीरे 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 हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आपको पूरी की पूरी डिटेल में नॉलेज मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।